आज राखी का दिन था, लेकिन दीदी लोग को मतलब मेरी सारी ननद लोग को घर पे आने से मना कर दिया गया था। क्यों मना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरा लास्ट डे है ससुराल में, और मैं आज मेरी दिल्ली वापसी है, तो मैं लास्ट डे में थोड़ी सी वीडियो मैंने अपने कमरे में शूट करी हूँ। देखो, सारे सामान को मैंने पैक कर दिया है, और देखो कमरा कैसे खाली खाली रह गया। एक दिन आओ तो इस कमरे को इंसान सजाता है, उसके बाद जाने लगो तो सब कुछ एक्चुअली बाहर रखने पर सामान ख़राब हो जाएंगे, इसलिए अंदर ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं, टाइम जो हो रहा था 1:30 बज रहे हैं। आज राखी का दिन था, लेकिन दीदी लोग को मतलब मेरी सारी ननद लोग को घर पे आने से मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था वो मैं आगे से आपको वीडियो में बताऊंगी। फिर हस्बैंड जी ने कहा कि अगर दीदी नहीं आ सकती तो हम लोग चल के उनके यहाँ मिल सकते हैं, तो इसलिए हम लोग दीदी के घर आ गए। तो आओ पहले मैं आपको दीदी की सारी फैमिली से मिलाती हूँ, बाकी वीडियो में आप बने रहो तो मैं आपको बताऊँगी किस वजह से दीदी को घर पर आने से मना कर दिया गया था, क्या ऐसा रीज़न हो गया था। दीदी, हमारी ननद, बड़ी दीदी जेठानी और उनकी बहू, मतलब हमारी भी, मैं मामी सास, और ये उनकी सास, दीदी ननद जी की सास, तो वो मतलब मेरी भी सास, हाँ सब लोग सास। और अभी रुको जरा, फैमिली बहुत बड़ी है, आगे और सबसे मिलाते हूँ। बच्चा लोग साथी, और ये रही हमारी भांजी, छोटी भांजी, ये भांजा भांजा, और ये हमारा भांजा। आज सब लोग से राखी के बहाने मुलाकात भी हो रही है। ये बड़ी भांजी, बड़ी भांजी मतलब मामी से भी बड़ी भांजी, ऐसा स्वभाव है हमारा। और ये हमारी बहू है। बहू कहाँ की ज्योति इकट्ठा है, और ये दीदी लोग की ननद, हमारी दीदी ननद की ननद आए हैं सब लोग राखी पे इकट्ठा सब। तो यहाँ पे सबसे मुलाकात करने के बाद और दीदी से मिलने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलने लगे। दीदी की फैमिली बहुत बड़ी है, अभी तो कुछ ही लोग हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, मीन्स अभी थोड़ी देर में आते रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो आज राखी का दिन है, तो उनकी बहनें भी आएंगी, जो भैया लोग हैं। दीदी भी तीन जेठानियाँ हैं, और हमारी भी दो जेठानी हैं, हम तीसरे नंबर पर हैं। आए तीन ननद लोग हैं, और तीन ननदों में ये सेकेंड नंबर वाली दीदी हैं। सारी दीदियाँ मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं, और एक बात बता दूँ, दीदी की फैमिली में सब लोग इतने अच्छे हैं कि लगता ही नहीं कि दीदी मेरी अपनी ननद हैं या इनकी जो बाकी जेठानियाँ, क्योंकि वो मुझे उतना ही प्यार करती हैं, और ख़ास करके इनकी बड़ी जेठानी और बहू, सब लोग मुझे बहुत मानते हैं। यहाँ आके बिल्कुल अपना सा फील होता है, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं, और सेकंड ये थर्ड नंबर वाली दीदी हैं, जो हस्बैंड से लगभग 10 इयर्स बड़ी हैं, तो यहाँ पे आ गए थे। ये थोड़ी दूर पे रहती है, तो हम लोग सोचे इनसे भी मिलते चलें, जिनका रूट अलग, उनसे नहीं मिल पाए, क्योंकि हस्बैंड के भी फर्स्ट वाली दीदी सबसे बड़ी हैं, जो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और यहाँ पे आए तो बच्चे बहुत शर्माए थे जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में जब इनकी थोड़ा सा होता है ना फर्स्ट टाइम, थोड़ा हेजिटेशन होता है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और रीज़न ये था कि राखी में नहीं आ पाए, हमारे गाँव में अभी लगभग 6-8 मंथ हुए हैं, कज़न जेठ जी थे वो एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से गाँव का कुछ है हिसाब किताब कि बहुत दिन तक त्यौहार नहीं मनाया जाता है, और उसी हिसाब किताब कहें कि चोचले कहे, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा हम लोगों ने अपनी दीदी लोग को मना कर दिया उसकी ना आओ, बाद में पता चला बहुत लोगों ने त्यौहार मनाया, तो इसे पता नहीं क्या कहेंगे, गांव वाले को अलग ही हिसाब किताब होता है, वो पता नहीं क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सब कुछ मिला के ये तो रहा कि आज की इस बार वाली राखी भले ना मनानी पड़ी, लेकिन मज़ेदार रही, क्योंकि सबसे मुलाकात हो गई, और इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि जिन दीदी लोग को भी इंटरेस्ट था कि हाँ वो पहुँचे भाई को राखी बांधे, भले वो ना पहुँच पाए, उनके भाई से उनको मिला दिया, तो बहुत खुशी हुई हमको खुद भी। और ये हमारे जीजा जी हैं, मतलब सर थर्ड नंबर जीजा जी, हस्बैंड और सब लोग बात करते, और ये मेरी जेठानी का लड़का है, और यहाँ पे सब लोगों का मैंने कहा एक बार बैठ जाओ, भाई बहनों के साथ फ़ोटो हो जाए, यही कुछ यादें होती है जो इंसान के पास रह जाती है, वीडियो के तौर पे, फ़ोटो के तौर पे, बाकी तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं कि किसी के घर जाके कोई 10 दिन रुक पाए। और सच बताओ मेरी ननद लोग का मेरे से बहुत उनका सपोर्ट हम लोगों को रहता है, एक तो बड़ी हैं, माँ समान हैं, सब लोग बहुत मानती हैं, तो वो लोग बहुत सपोर्ट करती हैं। मैं अपनी तीनों ननदों के बारे में जितना कहूँ ना उतना कम है, वाकई में बहुत अच्छे हैं सब लोग।
तो राखी हमारे यहाँ मनाने तो थी नहीं, लेकिन हम आ गए थे और आने के बाद आई थी बहू रूप में थी, मैंने चेंज भी कर लिया। और अभी सबसे मिलाते हूँ आपको, दीदी उधर है और ये हमारी भांजियाँ हैं, ये छोटी बड़ी भांजी और ये छोटी भांजी। और हाय, और मैं आपको मेरी सबसे छोटी वाली ननद, तो ये हैं मेरी छोटी वाली दीदी राखी। तो बस, और सर थोड़ा सा आप लोग की बस शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी जानना तो चाहते हो ना कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग रहते हैं, क्योंकि हम इकट्ठा मिल नहीं पाते। तो आपके साथ थोड़ा सा इसी तरीके शेयरिंग करेंगे, जहाँ जाऊँ वहाँ का थोड़ा सा शेयर करूँ तो आपको भी पता चलेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट, थैंक यू। है ना, भांजी की बात पर ध्यान देना, बिकॉज राखी है तो ये बात इग्नोर मत करना, ठीक है। चलो हम जा रहे हैं। हाँ बबली चले, निकले पिल्ला, तो यहाँ पे सबसे मिल मिलाने के बाद सबको बाय बाय टाटा किया और हम लोग निकल लिए दिल्ली के लिए। अब आगे की ब्लॉग में मिलेंगे दिल्ली में, आप लोग को सबको साथ लेके। यहाँ पे पहुँच चुके हूँ, 7 बज रहा था, घर पे आ गई हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, जैसे नोएडा से हम लोग दिल्ली में एंट्री किए तो देखा खूब तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश तो तेज़ थी, फिर भी हम लोग आराम आराम से अपने घर पे पहुंच गए। और अब सबकी ड्यूटी हो जाएगी स्टार्ट, उनको निकलना है ऑफिस, और तो मैं भी लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी में, बना लेती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह। तो चलो अभी ब्लॉग को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।